ले लेते हैं हम यहाँ एक एम्प्टी जार, जिसमें हम एक कटोरी लेंगे, उसमें हम वॉल पुट्टी डालेंगे 1 स्पून, वह हाफ स्पून डालेंगे वाटर, मिक्स करेंगे अच्छे से। एक ले लेंगे कंटेनर, जिसे हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ। इसमें डालेंगे हम वॉल पुट्टी का घोल 8 घंटों के लिए। अब हम इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। देखिए अभी अच्छी तरह सूख गया है। 8 घंटे के बाद हम इसमें डालेंगे वॉल पुट्टी का घोल। इसे अच्छे से हम भर देंगे, फिल कर देंगे, फ्लैट करेंगे अच्छे से, इसे एकदम स्मूथ कर देंगे। और अब हम एक कंटेनर को इसके बीच में डाल देंगे। इस मिक्सचर को हम अच्छी तरह फिल कर देंगे जार में, जार के कंटेनर में, कि ये अच्छी तरह पूरी तरह, देखो अब हम फिल कर चुके हैं। फिल करने के बाद हम वेट करेंगे, और अब ये सूख गया है। जब ये सूख गया है तो इसे ईजिली हम निकाल देंगे, कि ये इजी तरीके से निकल जाए। वॉल पुट्टी का यूज़ करने से पहले हम रैप कर देंगे इसे प्लास्टिक के कवर पॉलिथीन बैग के साथ। इसे हम अच्छे से रैप करेंगे, और अब हम कंटेनर में फिर से वही प्रोसीजर यूज़ करेंगे, वॉल पुट्टी को डालेंगे। हम इसे छोड़ देंगे सिर्फ 2 घंटे के लिए, सूख जाएगा। उसके बाद हम दोबारा दूसरी साइड से हम अब कंटेनर में डालेंगे जार को, और फिल कर देंगे वॉल पुट्टी से। देखिए अब ये अच्छे से फिल हो चुका है। अब हम इसे स्ट्रेस्ट दे देंगे। सूखने के बाद जार को हम कंटेनर से निकाल देंगे, दूसरे वाले कंटेनर को भी अच्छे से निकालेंगे, रेस्ट करेंगे, रैपर को निकाल देंगे इसी तरीके से, सैंड पेपर से अच्छी तरह स्मूथ कर देंगे। अब हम लेंगे एक कोई भी ग्लू, और अच्छे से इसे इस ढक्कन को इसमें चिपका देंगे। खाली जगह को हम अच्छे से फिल कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम लेंगे सेलो टेप, इसे कवर कर लेंगे ताकि कलर हमारा कहीं इधर उधर ना लगे। एक्रेलिक कलर लिया है मैंने, आप अपनी मनपसंद का कलर यूज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से, अपने कलर को चॉइस से आप इसमें कलर करें। मैंने इसमें ये ब्लू कलर किया है। अब आप इसमें अपना मनपसंद का डिज़ाइन ड्रॉ कर ले, बना ले अपने तरीके से, अच्छा सा डिज़ाइन बना ले, जो आपको पसंद है वो आप इसमें बना ले। दोनों कंटेनर में मैंने ऐसे फिल कर लिया है, कलर कर लिया है। अब देखो ये तैयार हो गई। मैंने सेलो टेप को रिमूव कर लिया है। अगर आपको लगता है कहीं कलर लगा है तो आप उसे निकाल दे, वो इजीली निकल जाएगा। अब ये तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी इलेक्ट्रिक लाइट, इसे मैं अंदर डाल देती हूँ, ऑन कर लेती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, लाइट चला दिया मैंने इसमें, बड़ा सुंदर लग रहा है। इसे हम कहीं पे भी अपने कॉर्नर पे सजा सकते हैं।